नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिवरी नगर सब स्टेशन में परिवार सहित बैठे बंटी कुकड़े, जब तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होती तब तक बैठे स्टेशन में। रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश में दो पायलट की मौत, सीएम बघेल ने दुख जताया। और दाऊद पर एनआईए का शिकंजा, टेरर फंडिंग जमा करने बॉलीवुड से वसूली के आरोप में मुंबई से दो गुर्गे गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर नागरिकों में रोष पनपने लगा है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी आपूर्ति बाधित होने से लोगों का सब्र टूट गया है। तकनीकी खामी की वजह से गुल हुई बिजली से नाराज लोगों ने बिना के मंगलवार स्थित सब स्टेशन में तोड़फोड़ कर दी। गुरुवार की शाम बच्चों को लेकर पूर्व नगर सेवक बंटी कुकड़े हिवरी नगर सब स्टेशन में ठिया आंदोलन में बैठ गए। भाजपा के पूर्व नगर सेवक बंटी कुकड़े भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अपने 6 एवं 11 वर्ष के बच्चे के साथ हिवरी नगर सब स्टेशन में ठिया आंदोलन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता, यह सरकार काम नहीं कर रही, जब तक आपूर्ति सुचारू नहीं होती वे यही बैठे रहेंगे। कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं फिर से शुरू हो गई है। युवा कश्मीरी पंडितों की कल उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। इस विषय के साथ ही महाविकास आघाड़ी और बाकी मुद्दों पर संजय राउत ने आज पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी। कश्मीरी पंडितों का प्रत्यावर्तन और उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा था, जिसके लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। कश्मीर का विभाजन किया गया, जिसके लिए हम सब ने उनका साथ दिया, फिर भी कश्मीरी पंडित घर नहीं लौट सके। कश्मीर अभी भी अशांत है, बाहर नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहाँ के आम लोगों की जिंदगी भी असुरक्षित है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसा कहते हुए संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों को मुद्दों से विचलित नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों को लेकर लोग इस मुद्दे पर खासा ध्यान दे रहे हैं। शिवसेना कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को बेहद संजीदगी से देख रही है। चीन ने एक तरफ हमला किया है और दूसरी तरफ कश्मीर, यह देश के लिए सही नहीं है। सर, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कल एक और खबरें सामने आई जहां पे कश्मीरी पंडितों दिन दहाड़े तहसील कश्मीरी पंडित, वो भी सरकारी कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, ये बार बार हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार हमारी मोदी जी अमित शाह जी बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी, 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जिस प्रकार की हत्या कल उस युवा कश्मीरी पंडित की हुई है जी, वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये तो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है। बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है, वो माहौल आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेकर ख़त्म करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे से कश्मीरी पंडितों का मामला या कश्मीर का मामला हल नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। रायपुर एयरपोर्ट पर देर रात एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में दो पायलट की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है।
रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राकेश सहाय ने इस हादसे की पुष्टि की है। रनवे के आखिरी छोर पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट की मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य चलाया गया। पायलट एपी श्रीवास्तव और पांडा इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त चिंगारी निकली, जिसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर था। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर माला चढ़ाई, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। इस पर अब राजनीति गरमाने लगी है। संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को भी उसी कब्र में जाना है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर राजनीतिक दलों के निशाने पर है। बीते गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अब संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वारंवार यायचं संभाजीनगरला आणि औरंगजेबाच्या कबरीपुढे आम्हाला सगळ्यांना खिजवण्यासाठी, महाराष्ट्राला खिजवण्यासाठी गुडघे टेकायचे, हे जे आहे याच्यातून जर महाराष्ट्रामध्ये असंतता निर्माण करायची असं ह्या ओबीसी बंधूंचं काहीतरी एक राजकारण दिसतं आहे। पण मी इतकंच सांगेन, त्या औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये मराठ्यांनी बांधलेली, त्याची त्याला कबरीमध्ये आम्ही टाकलं। 25 वर्ष तो लढत राहिला महाराष्ट्रावर चाल करणारा हा मोगल राजा। म्हणजे तुम्ही आज कबरीवरती येऊन नमाज वगैरे पडताय, कधीतरी तुम्हालाही त्याच कबरीत जावं लागेल। ये जो बात है, औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था,
कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रमक था महाराष्ट्र के ऊपर। उसने आक्रमण किया, महाराष्ट्र की मंदिर प्रार्थना घर सबको उध्वस्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मृत्यु में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मिट्टी मर्दों की शुरुआत और शिवाजी महाराज। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। देर रात मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके में छापेमारी कर दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जो दाऊद के लिए फाइनेंस जमा करने का काम करते थे। कुछ देर में दोनों को कस्टडी में लिए स्पेशल NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों की पहचान आरिफ अबूबकर शेख और शब्बीर शेख के रूप में हुई है। आरोप है कि ये दोनों टेरर फंडिंग जमा करने के लिए बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का काम करते थे। NIA को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये दोनों दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के सीधे संपर्क में थे। शकील के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। सुरक्षा कारणों से NIA ने दोनों को भी अभी गुप्त स्थान पर रखा है। NIA सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील लगातार मुंबई से बाहर बैठ फिरौती, ड्रग्स और आतंकवाद फैलाने का काम देख रहा है। NIA नई दिल्ली, मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। 9 मई को इसी कड़ी में मुंबई में 24 स्थानों और मीरा भाईंदर में 5 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। पूछताछ में दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट को भी हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 20 अन्य लोगों से NIA लगातार पूछताछ कर रही है। UAPA के तहत गिरफ्तार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर द्वारा कथित खुलासे के बाद सुबह छापेमारी शुरू हुई थी। NIA के अनुसार दाऊद और उससे जुड़े लोग लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग में भी काम कर रहे हैं। अबाधित बिजली आपूर्ति का दम भरने वाली कंपनी महावितरण की बिजली वितरण प्रणाली भीषण गर्मी में फेल हो रही है। बिजली का अचानक गुल होना आम बात हो गई है। मंगलवार के बाद बुधवार को और गुरुवार की रात को भी बिजली ने शहर के नागरिकों को खूब रुलाया। हालांकि रात 10 बजे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू हो गई। वाठोड़ा सहित कई इलाकों में तो रात भर अंधेरा रहा। VKB न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।